को मैं खंडन करता हूं जो क्रिश्चियन समाज पे आज एक उनको दबाया जा रहा है, उनके आवाज को दबाया जा रहा है, उनके धर्म को दबाया जा रहा है और गलत इल्जाम लगाकर आज उनको जो कह रहे हैं इसका मैं कंडम करता हूं। और प्राइम मिनिस्टर साहब आप खुद इसके बारे में सोचना चाहिए, बुलाइए, बात कीजिए, उनके समस्याओं को सुलझाइए कि मदर थेरेसा की संस्था जिसका दुनिया भर में नाम है उसका भी वहां पर भी हरेसमेंट चल रहा है। उसी ढंग से कर्नाटक में जो एंटी कन्वर्शन बिल ला के वहां पर भी क्रिश्चियनों को तंग किया जा रहा है। तो भैया आप किस चीज को तंग करना चाहते हैं? खैर सभी लोगों को भेजना चाहते हैं, माइनॉरिटीज को भेजना चाहते हैं, क्रिश्चियन को भी भेजना चाहते हैं, दलितों को तंग और तबाह कर रहे हैं, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं सब। और ऊपर से बोलते अच्छे दिन लाएंगे, सबका साथ सबका विकास और क्या सबका प्रयास, क्या हाँ सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन यहाँ तो सबकी बर्बादी हो रही है, सबकी बर्बादी हो रही है, चर्च टूटे जा रहे हैं और चर्च के बारे में सभी मौन धारण किए, कोई भी बोले नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड समाज है और वो अच्छा काम करते हैं, शिक्षण देते हैं, हेल्थ केयर की काम करते हैं। तो वो लोगों को और बहुत से लाभार्थी यहाँ है, बहुत से लोग अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी स्कूल में पहला वोट लगा देते हैं और ऐसे लोग उसी संस्था में जाके चर्च को तोड़ना, चर्च को ये करना, ये आपका और वो भी यीशु ख्रिस्त के जन्मदिन पर, वो 25 दिसंबर 26 दिसंबर 31 दिसंबर को ऐसी चीजें इस देश में हुई, ये तो मैं खंडन करता हूं जो क्रिश्चियन समाज पे आज एक उनको दबाया जा रहा है, उनके आवाज को दबाया जा रहा है, उनके धर्म को दबाया जा रहा है और गलत इल्जाम लगाकर आज उनको जो कह रहे हैं इसका मैं कंडम करता हूं। और प्राइम मिनिस्टर साहब आप खुद इसके बारे में सोचना चाहिए, बुलाइए, बात कीजिए, उनके समस्याओं को सुलझाइए। लेकिन ऐसा अपने चेले चपेटों को भेजते रहेंगे और वो बर्बाद करके वापस आएंगे, इससे कोई देश का हित नहीं होता, देश के लिए